दोस्तों आखिर साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान? दोस्तों साईं बाबा का लालन पालन मुसलमान फकीर के द्वारा हुआ था, परंतु बचपन से ही उनका झुकाव विभिन्न धर्मों की ओर था। किसी एक धर्म के प्रति उनकी एकनिष्ठ आस्था नहीं थी। कभी वे हिंदुओं के मंदिर में चले जाते थे तो कभी मस्जिद में। इससे न तो हिंदू उनसे प्रसन्न थे और न ही मुसलमान। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वह द्वारिका माई कहा करते थे। सिर पर एक सफेद कपड़ा बांधे वे फकीर के रूप में वे रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते थे, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते थे। लेकिन हिंदू हो या मुसलमान, साईं बाबा ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस धर्म से हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार भी किए हैं, जिस कारण कई लोग उन्हें भगवान का भी अवतार मानते हैं। तो दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम लिखना न भूलें।